अभी तक शादी को लेकर कई किस्से सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा वाक्या सामने आया है जो कि आपको हैरान कर देगा। बता दें आपको, ये खबर सामने आई है यूपी के जिले कन्नौज से, जहां पर दूल्हा दुल्हन फेरे लेने वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा कांड हो गया कि फिर दोनों पहुंच गए थाने और वहां पर हुई दोनों की शादी। दरअसल हुआ ये कि शादी के दौरान ही दुल्हन के परिवार के सदस्य को किसी ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उसी मामले को लेकर दूल्हा दुल्हन रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंच गए, जहां पर दोनों ने शादी कर ली। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। वैसे इस वीडियो पर यूजर ने भी कमेंट किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लड़की की जबरन शादी कराई जा रही है, तो वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा है कि यूपी में किसी की शादी में झगड़ा ना हो, ये तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।